नमस्कार, कैथल केसरी देख रहे हैं आप और आपको सीधी तस्वीरें कैथल के जिला सचिवालय की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पूरे हरियाणा से अध्यापक संघ आया है, जहां पर बता दें कि सुरेश द्रविड़ पर जो है मुकदमा को रद्द करवाने के लिए पूरे हरियाणा से जो है तालमेल कमेटी के बैनर के नीचे अध्यापक आए हैं। और अभी फिलहाल आगे की क्या कुछ रूपरेखा है, हमारे साथ मौजूद है इस समय गोयत साहब जी, बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ आगे की रूपरेखा है। सर स्वागत है कैथल केसरी में। आपके माध्यम से सभी आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से आज शिक्षा का माहौल सरकार ने बना दिया है, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि इन स्कूलों को बर्बाद करके और किसी ना किसी तरह से बंद किया जाए। नट सेल में तो यही है कि वो बंद करना चाहते हैं। अब कान को इस तरह पकड़ो या इस तरह पकड़ो, बहाना सिर्फ इतना है। इसी का विरोध पूरे प्रदेश के अंदर जन शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से चला हुआ है। जन शिक्षा अधिकार मंच में शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, छात्र भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुला समर्थन इसको दे रही हैं। इसी के माध्यम से आज ये प्रोग्राम है, और कैथल में ये आज बड़ा प्रोग्राम करने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी है। पिछले दिनों हमारे साथी के ऊपर इसी तरह से जब ज्ञापन हम देने के लिए माननीय मंत्री जी को गए, तो वहां उन्होंने अपनी स्पीच दी, और स्पीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर राजद्रोह जैसी धाराएं लगाई जाएं। तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए जिला प्रशासन ने उनके ऊपर धारा 124A लगाई, जिसको कल विड्रॉ करके तीन उसी तरह की धाराएं और लगा दी, वो वापिस ले ली, लेकिन तीन धाराएं और लगा ली। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि FIR को बिल्कुल सिरे से रद्द किया जाए, और मैडम डीसी के मैडम के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देंगे कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना बंद करें, और जो चिराग योजना जैसी और स्कूलों को मर्जर जैसी जो योजनाएं लेके सरकार आ रही है, इनको वापिस लिया। तो गोयत साहब पूछना चाहेंगे कि स्टेट लेवल का जो एजिटेशन दिख रहा है, किन किन जिलों से कितने कितने जो है अध्यापक आए हैं, क्योंकि संख्या की अगर बात की जाए तो काफी संख्या यहां लग रही है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? नहीं, पूरे स्टेट में चला हुआ है, ये तो हमारा कैथल का ही है वैसे तो, लेकिन साथी दूर दूर से भी आए हुए हैं समर्थन में। हमारे सर्व कर्मचारी संघ के जो राज्य महासचिव हैं वो हैं, जन शिक्षा अधिकार मंच के राज्य प्रदेश अध्यक्ष जनरल सिंह सांगवान हैं वो हैं, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, सभी किसान संगठनों के साथी आए हुए हैं, अध्यापक संगठनों के जितने भी संगठन हैं उनके साथी आसपास के जिलों से आए हुए हैं। क्या मांग, क्या आपकी मेन गोयत साहब मांग की अगर बात की? मांग की इस प्रोग्राम के माध्यम से तो ये है कि जो साथी के ऊपर FIR दर्ज की गई है उसको रद्द किया जाए, मुख्य मांग आज के दिन वो है। तो आगे की रूपरेखा क्या है, कब तक जो है कहां पर प्रदर्शन, डीसी को दिया जाएगा ज्ञापन, एसपी को दिया जाएगा, या क्या कुछ रूपरेखा रोड मैप तैयार किया? एसपी साहब से हमने कल मिलके बातचीत की थी, ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने 124 को एक धाराएं बदल दी, उनकी हटा दी थी, हटा दी, दूसरी लगा दी। अब हम, हमारी मांग यह है कि इसको टोटली रद्द किया जाए। अब हम डीसी मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन भेजेंगे कि इन धाराओं को पूरी तरह से, इस FIR को रद्द किया जाए। तो सर अगर ये मांगे नहीं मानी जाती, आपकी आगे की क्या रूपरेखा तैयार किया गोयत साहब? आज सुप्रीम शहादत भगत सिंह की जन्म जयंती है, आज भगत सिंह जयंती से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक हम यहाँ जिला सचिवालय पर पड़ाव डालेंगे। हर रोज का रहेगा कार्यक्रम? हर रोज का कार्यक्रम रहेगा, दिन रात का कार्यक्रम रहेगा, दिन रात यही रहेंगे, दिन रात अध्यापक यही रहेंगे। तो फिलहाल आज का प्रोग्राम ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा यही रहेंगे? नहीं, प्रोग्राम ज्ञापन देके हम शाम को अपना यही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतवीर गोयत, जिन्होंने जानकारी दी है कि जो सुरेश द्रविड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके संदर्भ में कल एसपी कैथल से मिले थे, और एसपी कैथल ने जो है उनके ऊपर 124 धारा थी वो उसको तर्क कर दिया, परंतु और अन्य धाराएं हैं उनको जोड़ दिया गया, परंतु अध्यापकों की मांग है कि इस मुकदमे को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और बता दें कि
बाद से जो है अध्यापकों ने जो सरकार को अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि उनका जो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक जो है प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा, वो एजिटेशन इसके बाद ज्ञापन देने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ बैठेंगे और दिन रात का जो उनका प्रदर्शन रहेगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको कैथल जिला सचिवालय की दिखाई जा रही है, जहां पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अध्यापक वर्ग जो है यहाँ पर पहुंचा है और सुरेश द्रवी के खिलाफ जो है मामला दर्ज जो किया गया था उसको रद्द करने की पुरजोर अपील की गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है अध्यापक वर्ग आया है और अन्य जिलों से अगर बात की जाए तो हरियाणा के तमाम जिलों से अध्यापकों की जो है टीम वो यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल बता दें कि जैसे कि जानकारी दी गई है गोयल साहब द्वारा, उन्होंने बताया कि हर रोज जो है अध्यापकों का जो धरना यहाँ पर जारी रहेगा, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक वो यहीं पर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक जो है सुरेश द्रवी के खिलाफ जो मुकदमा है उसको पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता। हालांकि आपको अपडेट करा दें कि सुरेश द्रवी के खिलाफ जो है राजद्रोह की धारा लगाई गई थी 124 उसको तर्क कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, परंतु अध्यापकों की पुरजोर मांग है कि इस पूरे मामले को रद्द किया जाए, जिसको लेकर अध्यापक आज यहाँ पर देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में अध्यापक आए हैं और अभी उनके आगे का प्रोग्राम जो है डीसी को ज्ञापन देना है, जिसके मार्फत से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मामले को पूरी तरह से रद्द करने की मांग करते हैं। बता दें कि हर रोज अध्यापकों ने बताया कि यहाँ पर जो है उनका ये एजिटेशन चलता रहेगा। फिलहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा क्या कुछ अध्यापकों की बातों को माना जाता है, क्या ये मुकदमा रद्द किया जाता है और अध्यापकों का जो एजिटेशन है वो ऐसे ही चलता रहेगा या फिर ये प्रदर्शन जो है और उग्र रूप लेगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे इस कैथल केसरी पेज को लाइक और शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए ज्यादा धन्यवाद।